बैठक कम कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे लेह लद्दाख के संगठन महामंत्री माननीय चोकोल जी। मंच पर आसीन मेरे साथ पार्टी के हमारे महामंत्री सीनियर नेता विबोध गुप्ता जी, पूर्व मंत्री रिया सेठी जी, अंकुश जी, जो इस मेंबरशिप ड्राइव को एक कन्वीनर के नाते देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पार्टी के साथ जुड़े हुए वो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, जिनके माध्यम से इस बार चुनावों में एक नई शक्ति का संचार हुआ था। मित्रों, बड़े विस्तृत रूप से आप लोगों के समक्ष बीच में अशोक जी ने जानकारी रखी है मेंबरशिप को लेकर, पार्टी की विचारधारा को भी लेकर, और पार्टी किस तरीके से काम करती है, और पार्टी अगर विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो कौन कारण है। हर एक कार्यकर्ता के कारण पार्टी आगे बढ़ी है। आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पूरे देश की जो विचारधारा है वही हमारी पार्टी की विचारधारा है। यानी हम लोग वाइस वर्सा बात करें तो हम लोग जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं वही विचारधारा आज पूरे देश की जो है वो विचारधारा बन चुकी है। परसों का वाक्य आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना भी होगा, और टीवी के माध्यम से आप लगातार से इसके ऊपर देखने के बाद डिस्कशन भी कर रहे होंगे कि प्रदेश में कैसी परिस्थितियां जो है वो लाने का प्रयत्न हो रहा है। आपके ध्यान में होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में कोई सीटों को अगर हम लोग अपवाद में रखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी है। 23% उनके मत हैं, भारतीय जनता पार्टी 26% मत लेकर सर्वप्रथम रही है। लेकिन ये जो परिस्थितियां वहां पर लाने का प्रयत्न कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके एजेंडे में था कि हम लोग 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, और कौन से तरीके से लाने की कोशिश की गई, जैसे बैकडोर एंट्री करते हैं, एक रेजोल्यूशन रखा जाता है, और उस रेजोल्यूशन की लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है फर्स्ट पैरा में अंतिम लाइन के यूनिलेटरल रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस, यानी संविधान के दायरे में चुने गए वो लोग जिन्हें हम कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के ज्ञाता होंगे, ध्राता होंगे, लेकिन उन्होंने भी बगैर पढ़े बगैर सोचे समझे, यार सोची समझी चाहिए होगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे लोग चुनकर आने चाहिए थे। असेंबली में सर्वसम्मति से स्पीकर का रोल अदा करने वाले राठौर साहब, जिनके बारे में शोक जी ने कहा कि उनको दो आदमी चाहिए उठाकर चलने के लिए, तो क्या वो जायज एक्ट कर रहे थे? क्या देश में हमारी संसद ने, हमारी लोकसभा ने जब ये बिल पारित हुआ था जिसमें 370 को निरस्त किया गया था, 35A को निरस्त किया था, क्या हम लोग समझते हैं कि वो गलत हुआ था? सब लोगों ने डिस्कशन की थी उसके ऊपर, और उसके बाद जो डिसीजन दिया गया था प्रॉपर डिस्कशन के बाद सबको बोलने का मौका मिला, अपर हाउस में बोलने का मौका मिला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके लॉयर्स गए, इन्होंने प्रॉपर रिट फाइल करने इसके बाद डिस्कशंस करने के बाद उसके ऊपर मोहर लगी। यानी इनके लिए देश में संविधान भी पीछे है, लोकसभा पीछे है, राज्यसभा पीछे है, सुप्रीम कोर्ट पीछे है, ये क्या वातावरण यहां पर बनाना चाहते हैं? और उसके बाद दूसरे दिन जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे विधायकों के ऊपर अत्याचार होता है,
किस तरीके से उनको उठा उठाकर बाहर फेंका गया। मैं भी मंत्री रहा, मैं भी सरकार में था, मैं भी विधायक के नाते भी ये पार्टी का अध्यक्ष था मैं। उन दिनों में हम लोग सत्ता में थे। यही रशीद इंजीनियर जो पिछली बार एमएलए था, उसका भाई आज एमएलए था, घर के बाहर से वो पोस्टर लेके आया था। जो आदमी घर से पोस्टर लेकर असेंबली के बीच में आता आ जाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, चेकिंग नहीं होती। आप खुद सोचिए, ये कल लोग कर लिए लोग, इनका भाई संसद में है, लोकसभा में है, वो वहां पर क्या लेके जा सकता है? इन लोगों के लिए अपने इस प्रदेश की परिस्थितियों को बिगाड़ने से पीछे कोई रोल नहीं। ये नहीं चाहते कि इस प्रदेश का वातावरण बने। आज मैं देख रहा था, मैं आज श्यामला जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में था और वहां पर कार्यकर्ता दिखा रहे थे कि किस तरीके से श्यामलाल जी जो पार्टी के हमारे सीनियर लीडर, लगभग 65 साल से ऊपर उनकी आयु है, और उनको जिस तरीके से वो उठाकर लेके जा रहे थे, सर नीचे था टांगे ऊपर थी, और ऐसे लेके जा रहे थे जैसे किसी सूट केस को लेके जा रहे। मित्रों, क्या परिस्थितियां बनाना चाहते हैं? और ये परिस्थितियां अगर बनाने की कोशिश हो रही है, जो लोग भी कश्मीर की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, वो मात्र उस जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमने 370 को निरस्त कर दिया। मित्रों, ये एक बार पास करें, दो बार पास करें, 100 बार पास करें, केंद्र में वही बैठी हुई सरकार है, वही नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में है, वही होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, जिन्होंने 370 को निरस्त किया था, 35A को निरस्त किया। और आप लोगों के माध्यम से ही मैं कुछ बातें मेंबरशिप के बारे में भी कहूंगा, लेकिन आप लोगों के ध्यान में भी रहना चाहिए कि 370 के हम लोगों को हटाने के क्या फायदे हुए। मातृशक्ति को उनका हाथ मिला था, मातृशक्ति जो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जिनकी शादी जम्मू कश्मीर के बाहर होती थी, उनको हक जो था उनका छिन जाता था, उनके जितने भी राइट्स होते थे प्रॉपर्टी के ऊपर, इमूवेबल मूवेबल सभी जो थे वो छिन जाते थे। 370 जब तक हमारे ऊपर काबिज था, वेस्टर्न पाकिस्तान फ्यूजियों को वोट डालने का हक नहीं था, गोरखा समाज के लोगों को वोट डालने का हक नहीं था, वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। क्या लोग ये चाहते हैं? और आज पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में 50% हमारी मातृशक्ति जो है हमें रिप्रेजेंट करती है, हमारी वोट बैंक को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे समय में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मात्र अपने वोट बैंक की खातिर उन माताओं बहनों को जो है वो डिप्राइव करना चाहते हैं? यही उमर अब्दुल्ला जिसकी बहन की शादी इस प्रदेश के बाहर हुई है, उसका हक छिना है। मित्रों, ऐसी परिस्थितियां यहां पर लाने का प्रयत्न जो किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप सबके ध्यान में रहना चाहिए कि जो चुनाव असेंबली के चुनाव हुए, वो एक ऐसे चुनाव हुए जो सीधे तौर पर केंद्रीय सरकार के माध्यम से यहां पर लड़ेगी, एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये चुनाव लड़ेगी। और उन चुनावों में आप सबने देखा कि किस तरीके से कोई भी अन टू वन इंसिडेंट नहीं हुआ, बहुत अच्छे वातावरण में, और किसी को यह कहने का मौका नहीं मिला। खासतौर पर हर जगह पर कांग्रेस ये कहती है ईवीएम खराब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है ईवीएम खराब है, लेकिन जब ज्यादा सीटें आई तो उनको कहने का मौका नहीं मिला। मित्रों, आज की परिस्थितियां मैंने आप लोगों के समक्ष इसलिए रखी है कि आप ही लोगों के बीच में जाते हैं। ये ठीक है कि पार्टी की विचारधारा से आप लोग जुड़े हैं, लेकिन देशभक्त समाज से आप लोग संबंधित। जम्मू खित्ते में रहने वाला हर एक नागरिक जो है वो देशभक्त नागरिक है, और इस समाज के लिए काम करना, इस समाज को आगे लेके जाना हमारी ही प्राथमिकता नहीं है। आज मैं जीडी में माथा टेकने के लिए मंदिर में गया, मंदिर के बाहर हम लोग आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहां पर वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, उन्होंने एक प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के विरुद्ध, हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ा, और उन्होंने कहा कि गली गली में हर जगह पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। मातृशक्ति वहां पर भारी मात्रा में थी। यानी ये लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई ही नहीं, ये लड़ाई आज पूरे समाज की लड़ाई बन चुकी है।
गोरखा समाज की लड़ाई बन चुकी है, और हमारे वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों की लड़ाई बन चुकी है, माता शक्ति की लड़ाई बन चुकी है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कल प्रदर्शन किया, गोरखा समाज के लोगों ने कल प्रदर्शन किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि जो लोग सत्ता में आए, मैनिफेस्टो था, मेरा मैनिफेस्टो मैं पूरा नहीं कर सकता तो वे इंतजार करें, तीन चौथाई मत का इंतजार करें, केंद्र में अपनी सरकार का इंतजार करें। लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय इन लोगों के पास मित्रों कोई चारा नहीं। और यह ठीक कहा गया कि अगर हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार जम्मू हमारे इस खित्ते में हो, और हम लोगों को कोशिश करनी है, कहीं कुछ गलतियां रही, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन गलत हुए, कुछ कहीं हम लोग कह सकते हैं कि कुछ अगर हम लोग किसी तरीके से कुछ गलतियां ना करते तो ये खमियाजा हम लोगों को नहीं भुगतना पड़ता। इन गलतियों के कारण कुछ जो हम लोग कुछ सीटों से वंचित रहे, लेकिन मित्रों आज एक वातावरण ऐसा बनता जिसके चलते ये प्रदेश आगे बढ़ सकता था। अब कुछ सोचिए, जिन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रिजनर्स को छोड़ेंगे, जिन लोगों ने कहा है कि हम लोग पत्थरबाजी में जो लिप्त लोग हैं उनको हम लोग छोड़ेंगे, और आज वातावरण ऐसा बना है कि कल हमारे बीडीजीस के दो जावा सिपाहियों को जो था वो मार दिया गया, उन्होंने शहादत पाई। आप सोचिए कि क्या वातावरण बनाना चाहते हैं। और मित्रों ये शहादतें बेकार नहीं जाएंगी, इसमें दो चूक नहीं है, और मेरा मानना है कि उन लोगों के ऊपर एक्शन तो होगा। लेकिन मेरा आप सबसे यही आज विनम्र निवेदन है कि पार्टी की विचारधारा के साथ आप लोग कुछ अंतराल से जुड़े हैं, कुछ पुराने जुड़े हुए हैं, कुछ मेंबर पार्लियामेंट चुनाव में जुड़े हैं, कुछ असेंबली चुनाव में, मैं देख रहा था कि काफी लोग ऐसे हैं, और पीछे वो शर्मा जी बैठे हैं, एक स्पेसिफिक अपने पूरे पूरे के पूरे गांव को लेकर वो चुनावों में जुड़े थे, और इसलिए जुड़े थे कि उन्हें लगता था कि कांग्रेस में रहकर उनका दम घुट रहा है। अब लगभग 50 साल उन्होंने कांग्रेस में निकाले, 50 साल, लेकिन आज उनको लगता था कि उनका दम घुट रहा है। कारण यह है कि पार्टी विद डिफरेंस अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अपने हित के बारे में सोचती है, अपने परिवार के हित के बारे में सोचती है, तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनी। आप सबने भी भारतीय जनता पार्टी चुनी है, हमारी विचारधारा को आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के ध्यान में आएगा कि किस सोच के साथ भारतीय जनसंघ की जो स्थापना हुई थी उसी विचारधारा को हम लोग जो है आगे लेके जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से जो विषय आप लोगों के बीच में माननीय अशोक कुल जी ने एक मेंबरशिप का रखा है, आप लोग भी इस मेंबरशिप के विषय को आगे बढ़ाए। आगामी आने वाले समय में जब पार्टी में कुछ चेंजेस होंगे, मेंबरशिप के बाद जो चुनाव होंगे उन चुनाव के बाद बीच में भी आप लोगों की भूमिका है, कई लोगों आप लोगों को, क्योंकि पार्टी में कोई काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम आज माननीय संगठन मंत्री जी द्वारा आपको दिया गया है एक मेंबरशिप बढ़ाने का, ये काम भी अपने आप में एक काम है। इस काम को हम लोग पूरा करने में सफल हो सके इसके लिए मैं खास तौर पर जो जितने भी लोग मेरी प्रेजेंस में भी काफी लोग वहां पर जुड़े थे, बाकी कुछ लोग मेरे से पहले जुड़े होंगे, मैं उन दिनों में पार्टी का एक कार्यकर्ता था, और शिशु जी ये तो नहीं सोच रहे कि इतनी जल्दी प्रमोशन हो जाती है, है? प्रमोशन हो जाती है पता नहीं चलता। मैं जब मैंने आप लोगों का कार्यक्रम किया था तो मैं भी कार्यकर्ता था आपके साथ, वो बहुत ठीक है। चलो बड़ा अच्छा है आप लोगों के साथ काफी समय के बाद रूबरू होने का मौका मिला है। आप सब लोग परिपक्व हैं, अलग अलग एसोसिएशंस में, अलग अलग कंपनीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस के मामले में, अलग अलग संस्थाओं को आप लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने आप में एक अच्छे तरीके से संस्थाएं कही जा सकती है, जिसमें आपका काम भी जो है बोलता है। यही काम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी आप लोगों के माध्यम से हो, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।